हेलो दोस्तों, वेलकम टू गल्फ की बात। हमने अपनी लास्ट वीडियो में रियाद बैंक का अकाउंट ओपन किया था अपने मोबाइल से, तो हमारा एटीएम कार्ड आ चुका है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे न्यू एटीएम कार्ड का पिन कैसे जनरेट करते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके के कवर में आया है, लाल कलर का कवर है। आरएमएक्स कार्गो की तरफ से हमारे पास ट्रांसफ़र किया गया है बैंक के ज़रिए से। तो इसके अंदर हमको लिफाफा मिलेगा, इस लिफाफे के अंदर है एटीएम कार्ड। तो इस लिफाफे को हम साइड में रखते हैं, एटीएम कार्ड को सामने लाते हैं। एटीएम कार्ड कुछ इस तरीके का होगा, इसके अंदर वाईफाई भी होगा। ये हमारा एटीएम पिन, हमारा नाम, एक्सपायरी डेट होगी। तो ये सब तो हो गया। हाँ, एक और बात, मैं आपको एक और एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो जिससे आपको एटीएम कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम चलते हैं एटीएम की तरफ, रियाद बैंक के एटीएम में। तो यहाँ पे हम अपना एटीएम का पिन कार्ड डालेंगे, हमारा एटीएम का पिन चेंज कर पिन डालेंगे। तो सबसे पहले हम एटीएम को अंदर डालते हैं। डालने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरगेट पिन पे ओके करेंगे, क्योंकि हमारे पास पिन है ही नहीं तो फॉरगेट पिन पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे ओके करेंगे। आपने जो मोबाइल नंबर डाला था रियाद बैंक के अंदर, तो उस मोबाइल नंबर के अंदर आपको एक OTP आएगा, उसको यहाँ पे इंटर करना है। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए कुछ इस तरीके का चार नंबर होंगे, उसको यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करके कंटिन्यू पे ओके कर देंगे। जैसे कंटिन्यू पे ओके करेंगे, यहाँ पे आपको देगा इंटर योर न्यू पिन। जो भी आप नई चार नंबर रखना चाहते हो वो चार नंबर यहाँ पे इंटर करिए। इंटर करके कंटिन्यू इंटर कर दीजिए बस। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए फीचर वही सेम पिन को कन्फर्म करना है, फिर से डालेंगे। अब देखिए ख़त्म, हमारी न्यू पिन कार्ड जनरेट हो गई। अब हमारा एटीएम कार्ड बाहर आ जाएगा। देखिए आप दे रहा थैंक यू, एटीएम कार्ड बाहर आ गया। तो अब हम चेक करेंगे, तो अब हम फिर से एटीएम कार्ड डालेंगे, चेक करेंगे कि हमारी पिन जो है जनरेट हुई कि नहीं। तो चलिए एटीएम कार्ड अंदर डाला है। देखिए आप इधर एंटर योर पिन, पिन डालेंगे जो हमने इंटर किया था। देखिए दोस्तों, हमारा एटीएम कार्ड का पिन जनरेट हो चुका है। मैं आपको एक बार हिसाब भी दिखा देता हूँ। मेरा अकाउंट, मेरे नंबर पे भी एक मैसेज आ गया था। तो अब यहाँ से देखिए स्टेटमेंट में आपको दिखा दूँगा। देखिए 10 रियाल मेरे अकाउंट में है, क्योंकि मैंने जब एप्लीकेशन बनाया तो मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र कर लिया था। देखिए 5-5 करके 2 बार मेरे अकाउंट में आए हैं। यहाँ से बस देख लिया दोस्तों, देखा दोस्तों आपने अकाउंट, देखा दोस्तों आपने। तो बहुत ही आसान था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरा न्यू चैनल है, थोड़ा सपोर्ट करो दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।